अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि इस वक्त हरियाणा का इलेक्शन चरम सीमा के ऊपर है और हमने पहले आपको पंचकुला विधानसभा क्षेत्र की पोजीशन बताई कि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या कुछ आज का चरा, लोगों का रुझान कहाँ है, और आपने उसकी सारी वीडियोज वगैरह हमारी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखी। और उसके बाद हम आज इस वक्त खड़े हैं रायपुर रानी जो कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती लतिका शर्मा जी हैं और कांग्रेस से श्री प्रदीप चौधरी जी हैं और जजपा से किरण चौधरी जी हैं और बसपा सभी, यानी कहने में सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने कैंडिडेट्स खड़ाए हैं। और हम यहाँ की जियो लेवल पर कि आम इंसान की ये क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में, उनकी वेव कहाँ पर है, और हमें हमारी कोशिश यही है कि ये हम आपको जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है पूरी ही निष्पक्ष तौर पर बताएं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह है जी। जसवीर सिंह जी, क्या गांव कौन सा आपका? टीबी माजरा जी रहता। कौन सी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता आपका? हमारा कालका में। कालका में, तो आप हमें ये बताइए कि कालका में निष्पक्ष तौर बताना, क्योंकि अर्थ प्रकाश हमेशा निष्पक्षता दिखाते हैं। हम आपके दिल में जो बात है पहले हम क्लियर कर दें, जो मर्जी है जो आप निष्पक्ष होकर खुल के बताओ कि क्या लगता है आपको यहाँ पर वेव का, ये कैसा जी? जैसे एमएलए के इलेक्शन खड़े हैं, अच्छा, बीजेपी कांग्रेस, कौन सा लगता है कि आपके अंतरात्मा से किसका लगता है पलड़ा भारी? बीजेपी का। तो बीजेपी का पलड़ा क्यों भारी है? क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं सारे। अच्छा, दूसरे बाकी भी कर ही रहे थे जी, पीछे धक्के तो लाइन जाते हैं सब। अच्छा अच्छा जी, अच्छे कामों के कारण आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दोबारा से फिर आ सकती है। अच्छा, आप अपने जो मौजूदा एमएलए हैं लतिका शर्मा जी, उनको कितने नंबर दोगे 10 में से? उनके भी 10 में से है 100% है। चलो अब आगे चलते हैं। नमस्कार भाई साहब, आज इधर आ जाइए आप। हाँ, क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन है सर। ब्रिजमोहन जी, कौन सा गाँव है आपका? मानक डबरा सर। हाँ जी, मानक डबरा। मानिक, आपका हल्का कौन सा पड़ता है? कालका ही है। तो कालका के अंदर आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। बीजेपी, तो इन्होंने भी सेकंड जो कैंडिडेट था उन्होंने भी बीजेपी कहा है, ठीक है। क्यों आएगी बीजेपी? अच्छे कार्य कर रही है जी। अच्छे कार्य कर रही है। और कितने नंबर है 10 में से आप दोगे? 100% 100% अच्छे कार्य कौन कौन से हैं जो आपको लगता है कि कौन से अच्छे कार्य हुए? रोड बढ़िया बनवाए हैं जी, और जी हॉस्पिटल बढ़िया से बढ़िया, स्कूलों में अच्छी देख रेख हो रही है, बच्चों के लिए अच्छा देखभाल चल रही है। क्या नाम है आपका? काला जी। काला जी, आप आगे आइए, शर्माइए मत, जोर से बोलिए, निष्पक्ष होकर बोलिए, क्या लगता है आपको यहाँ पर? दोनों पार्टियां हैं जी। दोनों पार्टी, अपना एमएलए तो एक ही बनेगा, ये दोनों में से कौन है? मोदी है लगता है जी। मोदी, अच्छा, सबसे बड़ी बात लगी काला जी को, जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी वेव है जो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। काला जी को ये नहीं मालूम कि इनका एमएलए कौन सा, लेकिन ये कह रहे कि मोदी बनेगा। अच्छा काला जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अव्वल हसन जी। अव्वल हसन जी, आप बताइए कि यहाँ पर जो आपका हम इस वक्त खड़े कालका विधानसभा के अंदर, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या वेव लगता है आपको? यहाँ पे तो कांग्रेस की सीट आएगी। अच्छा, कांग्रेस की सीट आएगी, आपने अव्वल हसन जी ने कांग्रेस कहा है, आप क्या सोच के आपने कहा कि कांग्रेस की सीट आएगी? इसलिए आएगी कि यहाँ पे अपराध बहुत हो रहे हैं इस सरकार में। अच्छा। बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी और बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं, गरीब आदमी का सड़क पर चलना भी बड़ा दुर्बल हो गया। अच्छा। अब महंगाई ने बुरा हाल कर दिया और लोगों को मतलब घरों में भी दिक्कत आ, जैसे जिमीदारों को बोल रहा था इन्होंने कि ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ सूखे वादे, बस देना कुछ नहीं, सूखे वादे कर रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, देना लेना कुछ नहीं। बीमे के पैसे बैंक में से कट जा, बीमा कहाँ भी बीमा देंगे, लेन गए जिस तरह तूफान आ गया, ओले पड़ गए, बीमा लेन गए बैंक में भी, जो किस्त मारी बीमे की, उन्होंने पता क्या कराया जी, उन्होंने कहा जी एक एकड़ का नहीं, दो एकड़ का नहीं, 10 एकड़ में अगर नुकसान है तब भी नहीं बीमा दिन दे आपनों, क्यों नहीं दिन दे जब पैसे काटे आपने। मैं कहा जी पूरे इलाके नू खत्म कर दो, ओला तूफान अंधी सारे इलाके में आई हो तो तब देवांगे आपनों वो क्लेम। तो देखा अव्वल हसन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिन्होंने एक मुद्दा भी उठाया, स्थानीय मुद्दा भी इन्होंने उठाया कि ये दिक्कतें किसानों को आ रही हैं, तो इसी को देखते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव है वो कांग्रेस के पक्ष में है। आप एक बार पूछना चाहेंगे आपसे, आपके मौजूदा एमएलए यहाँ पर है मैडम लतिका शर्मा, उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? हैं जी, 10 में से कितने नंबर दोगे एमएलए को? जीरो
जीरो। तो अव्वल हसन जी ने जीरो नंबर दिए हैं, तो हम बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, गांव कौन सा आपका? मीरपुर जी। मीरपुर हल्का कौन सा पड़ता है? ये काल का। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो क्या स्थिति है, जैसे हरियाणा के इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त, पीक सीमा के ऊपर है, तो आपको क्या लगता है? हमारा तो कांग्रेस का है जी। कांग्रेस, तो इन्होंने भी कांग्रेस पे मोहर लगाई है, तो ऐसे ऐसे हम आगे आगे चलते हैं। क्या नाम है? बिट्टू है जी। बिट्टू, हाँ बिट्टू, गांव कौन सा? गांव को लड़वर तहसील नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला जी। अच्छा, नारायणगढ़ से। अच्छा, नारायणगढ़ हल्का, नारायणगढ़ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताना कि हम कालका इस वक्त और पंचकुला की, नारायणगढ़ की स्थिति क्या लगती है आपको? नारायणगढ़ की स्थिति उसकी है, कांग्रेस की है जी। कांग्रेस की, तो इन्होंने बिट्टू जी ने ये कहा कि नारायणगढ़ की जो स्थिति है वो कांग्रेस की तरफ जा रही है, तो कांग्रेस की तरफ क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? क्योंकि जनता भूखी मर रही है जी। अच्छा, इस सरकार में। अच्छा, तो और कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ हुई उधर? कुछ नहीं हुआ जी, काम जो वादे किए थे बिल्कुल जीरो है। आपके तो आई थिंक वहाँ पर एमपी भी रहे हैं नायब सैनी जी, जी आपके यहाँ क्या चोर बाजारी हो रही है जी? चोर बाजारी। अच्छा जी, ये दिखाना है वैध खनन, ये कल बंदा मार दिया टिप्पर ने जी। अच्छा जी, चोर बाजारी है जी। अच्छा जी, जिसको भी रोकते हैं ये बोलते हैं मंत्री की गाड़ी है, मंत्री की गाड़ी है जी। कांग्रेस के राज में जो काम हुए हैं वो ही काम हुए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ जी। तो आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोगों ने अपनी अपनी दिक्कतें भी बताई हैं मीडिया को कि ये दिक्कतें आ रही हैं, और उसके बाद जो जो यहाँ पर जो हमारे लीडर्स ने काम नहीं किया, इसके तहत हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में, हाँ जी, इन्होंने खुले ट्यूबवेल के कनेक्शन देंगे जी कहा। पहले तो इन्होंने सिक्योरिटी भरवा ली, उसके बाद में डिमांड नोटिस के 30,000 रुपए भरवा लिए, उसके बाद में फुहारे वाली लाइन दे दी 40 पैप, ये 40,000 के यहाँ, उसके बाद में मोटर के पैसे भरवा लिए इन्होंने 53,000 रुपये। तो अव्वल हसन जी ने कहा कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए पहली भरवा दे, कनेक्शन अभी होया नहीं, तो ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए, मोटर के कनेक्शन के पैसे जमा कराए हुए हैं, तो आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिले, ये भी मुद्दा जी, खुद खुद मेरा कनेक्शन। आपका गांव कौन सा है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से अव्वल हसन जी कहा है कि ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, आपके 4 लाख रुपए। अच्छा सुल्तान जी, ये बताइए इसके, जैसे आपने अपनी बात बताई है उस तरह कितने हैं लोग अपनी? हमारे यहाँ से कम भी 3,900 कनेक्शन। अच्छा जी, जो 5 साल से तो पहले किसी के नहीं लगा, किसी का लगा नहीं हुआ, सबके नहीं, फॉर्मेलिटियां पूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं तो राजकुमार। हाँ जी राजकुमार, एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। हाँ जी राजकुमार। राजकुमार जी, गांव कौन सा आपका? नारायणपुर। हाँ जी नारायणपुर। हल्का? हल्का जी, पंचकुला। पंचकुला के कालका? कालका। कालका, क्या लगता है आपको यहाँ पर? बस लग रहा क्या, स्थिति खराब है जी। स्थिति खराब, ये बताइए ना, स्थिति तो देखो कभी वोटर की स्थिति खराब नहीं होती, स्थिति खराब होती है लीडर्स की। आप ये बताइए, जो स्थिति खराब कहा है आपने, को किसकी स्थिति खराब की है, किसकी स्थिति बेहतर है, ये बताइए। बेहतर तो पता क्या, गरीबों के लिए तो कांग्रेस और सरकार ठीक रहती है। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, तो इन्होंने ये कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पर हर इंसान के अपने व्यूज हैं। आपका क्या नाम है? आप आगे जी। सरोज है जी। सरोज जी, आपका गांव कौन सा है? नारायणपुर जी। अच्छा, आपका हल्का कौन सा पड़ता है? कालका जी। कालका, तो आप ये बताइए कि क्या लगता है इस मौजूदा स्थिति में, कि जो इस टाइम इलेक्शन पीक लेवल पर चल रहा है हरियाणा का, तो आपको क्या लगता है? जी बराबर की टक्कर है अभी तो। बराबर की टक्कर किस में है? दो पार्टियां में, तीन नाम है। अच्छा, तीन पार्टी है यहाँ पर। हाँ हाँ जी, तीन में बराबर की जंच रही अभी भी, तो आगा किस्मत आगे लेंगे जो बना। तो आपने ये बताया कि कौन कौन सी पार्टी है आपको लगता है? तीसरी का नहीं मैंने पता, कांग्रेस और उसका पता जी, बीजेपी का। बीजेपी। अच्छा, तो आपको पार्टी का तीसरी का नहीं पता, मुझे हमें ये बता दीजिए कि आप अपने मौजूदा एमएलए को 10 में से कितने नंबर दोगे, बाकी डिसाइड कर लेंगे। एमएलए को देंगे भी जी वो, नहीं नहीं, 10 में से कितने नंबर दोगे आप अपने हिसाब से? मार तो पूरा ही गाँव है जी। पूरा ही गाँव है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरा गाँव है, तो स्वास्तिक शर्मा। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हुई। हाँ, ये इन्होंने बहुत बड़ी मुद्दा उठाया। हाँ हाँ, आप उठाइए, क्योंकि अर्थ प्रकाश वो फील्ड है, अर्थ प्रकाश जनता का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने दिलों की बात निष्पक्ष तौर पर बता सकते हैं, और हम एक माध्यम है जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुँचाएंगे। तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मन प्रॉब्लम है जी, पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हैं जी, दिहाड़ी मिला कर ले और भी नहीं पैसे टाइम पर मिलते, बच्चे तो बस परेशान हैं जी। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बच्चे पढ़े लिख कर भी घर पर बैठे हैं, तो हम हाँ,
तो स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।